सो हाय गाइज, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो अभी फिलहाल में जो है, मैं लगभग मैं 2 मंथ पहले से अमेजोन का कुछ अपडेट किया हूँ, अमेजोन का कुछ वीडियो भी, शॉर्ट वीडियो भी पब्लिश किया हूँ, अमेजोन पे वीडियो बना रही हूँ। लगभग मैं सब वीडियो पे कमेंट आते रहता है, भैया अमेजोन में जॉब, अमेजोन में जॉब, अमेजोन में सैलरी, अमेजोन वर्क। तो मैं लगभग मैं जो है सब वीडियो बना के डाल चुका हूँ, जो भी वर्क कर रहा हूँ, वर्क के बारे में या पेमेंट के बारे में, सब कुछ के बारे में लगभग मैं वीडियो पब्लिश कर चुका हूँ। फिर भी आपको जो भी क्वेरी हो, आप लोग कमेंट करते रहिए, मैं उस रिगार्डिंग आप लोगों को जवाब देते रहूँगा और जो है वीडियो बना के अपडेट करते रहूँगा। इस वीडियो में मैं खास करके आप लोगों को पेमेंट के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, और पेमेंट इसमें आप लोगों को पेमेंट स्लिप, जो मेरा थर्ड पेमेंट अमेजोन कंपनी की तरफ से आया है, वो थर्ड पेमेंट आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो भाई, मैं इस थर्ड पेमेंट मैं कोई भी कंपनी में सेकेंड पेमेंट तक ही गया हूँ, लेकिन ये थर्ड पेमेंट तक गया हूँ लेकिन वीडियो नहीं बनाया हूँ, और सेकेंड पेमेंट तक मैं वीडियो बनाया हूँ। तो इस कंपनी में मैं थर्ड पेमेंट मेरा आ गया, और थर्ड पेमेंट किसी भी कंपनी से अभी तक का हाईएस्ट सैलरी मेरा इस कंपनी में बन गया। इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को अपडेट कर दूँ। और इससे पहले मेरा संधार कंपनी, जो कि गुड़गांव का संधार कंपनी में सबसे ज़्यादा पेमेंट आया था, उसके बाद सेकेंड इस कंपनी में अभी तक का हाईएस्ट सैलरी मेरा रहा है। तो आप लोग भी अभी जो चलिए वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को पता चलेगा मेरा सैलरी कितना बना है। अगर अमेजोन कंपनी में लगते हैं तो भाई, इसमें ओटी छोड़ के ओटी मुझे एक भी नहीं मिला है। जो मेरा डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में ओटी नहीं लगता है, और सब डिपार्टमेंट ओटी लगता है, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट में ओटी नहीं लगता है। तो ओटी छोड़ के फिर भी मेरा सैलरी सबसे हाईएस्ट बना है, मतलब मेरा सैलरी सबसे हाईएस्ट बना है, मेरा लाइफ पर ये सैलरी सबसे हाईएस्ट है। इससे पहले आप लोगों को पहले ही बताया, गुड़गांव में संधार कंपनी हुआ था, उसके बाद इसी में हुआ है, और इससे भी ज़्यादा, इससे भी लगभग 5,000-6,000 ज़्यादा लड़का लोग रिसीव करता है। तो मेरे डिपार्टमेंट ओटी नहीं लगता है, इसलिए इतना ही है, और सब डिपार्टमेंट ओटी लगता है तो ज़्यादा भी रिसीव होता है। तो चलिए, ज़्यादा खास बात नहीं करते हुए, और आप लोग चाहते हैं कि पेमेंट का वीडियो और फर्स्ट पेमेंट सेकंड पेमेंट का देखे, इस कंपनी में क्या वर्क होता है, कब वैकेंसी आता है, मैं सब वीडियो आप लोगों को बना के पब्लिश कर चुका हूँ। तो आप लोग कमेंट करने से पहले आप लोग चैनल पर विजिट कर लीजिए, और सभी क्वालिटी का आप लोग अमेजोन कंपनी का वीडियो देख लीजिए। तो होगा, मैं वैकेंसी के बारे में अपडेट करते रहूँगा, कब कब वैकेंसी आता है। तो फिलहाल मैं आप लोग को ये भी बता अपडेट कर देता हूँ, इसमें आप लोग 1 से 10 तारीख अमेजोन कंपनी में आते हैं इंटरव्यू देने, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, और 10 तारीख के बाद आते हैं तो वैकेंसी थोड़ा कम रहता है, इंटरव्यू होता है लेकिन वैकेंसी कम रहता है। अब 1 से 10 के बीच आइए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कितना सैलरी मिलता है, कितना आप लोगों को पहले सिलेक्शन होगा, तो वो सब भी वीडियो आप लोग जाके चैनल पर देख सकते हैं। तो आप अमेजोन कंपनी में, मैं सैलरी वीडियो बना रहा हूँ, सैलरी पर थोड़ा चर्चा कर दे रहा हूँ। अमेजोन कंपनी में आप लगते हैं तो सैलरी आप लोगों का जो है, यहाँ का जो बेसिक सैलरी है 14,999, 14,000 सैलरी बेसिक सैलरी वो है। 1500 रुपये आप लोगों को बस का अवार्ड मिलेगा, उसके बाद जो है 3050 जो है अटेंडेंस अवार्ड है, और नाइट शिफ्ट आप करते हैं तो नाइट शिफ्ट लगभग में 600 रुपया एक नाइट का मिलता है, एक सप्ताह नाइट का, मतलब 5 दिन का मिलता है। और आप लोग जो अनुमान कर लीजिए, आप 2 सप्ताह करते हैं, 3 सप्ताह करते हैं, तो कितना आएगा, तो आप पर डिपेंड करता है, जितना करिए लगभग मिला जुला आपको नॉर्मल सैलरी 18.5 बन जाएगा। आप नाइट ज़्यादा कर लेते हैं तो 19-20 तक, वही मैंने नाइट ज़्यादा किया, इसलिए मेरा सैलरी जो है 20 क्रॉस कर गया। तो चलिए, आप लोग जो है वीडियो बने रहिए और वीडियो आप पूरा देखिए, और जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस देखिए, मैं आ गया अपना मोबाइल स्क्रीन पर, और मोबाइल स्क्रीन से आप लोगों को दिखा रहा हूँ पेमेंट स्लिप, जो कि आप लोगों को लाइव और प्रूफ के साथ। और देखिए, ये अकाउंट, ये भाई, और मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये फिक्स डे देखिए 31 दिखा रहा है, लेकिन भाई मैं इसमें जो है 22 ड्यूटी किया था, और 22 ड्यूटी का ये पेमेंट बना है। और बैंक एसी नंबर, अकाउंट नंबर ये मेरा है, इसलिए मैं अकाउंट नंबर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और देखिए, इंश्योरेंस नंबर मुझे मिला नहीं है, और अर्निंग और इसेट अमाउंट, तो अर्निंग बेसिक सैलरी भाई यहाँ का मैं पहले भी बताया हूँ, यहाँ पर अगर तमिलनाडु में या कर्नाटक में कहीं पे आप लगते हैं तो बेसिक सैलरी ये 100 तरफ का बेसिक सैलरी है 14,399 है। फिलहाल मैं बेंगलोर में हूँ, और बेंगलोर का परमानेंट बेसिक सैलरी इतना ही है, और तमिलनाडु का हो सकता है, इससे पहले मैं जॉब कर रहा इतना ही था, हो सकता है कम तो नहीं हुआ होगा, ज़्यादा हो सकता है। और नाइट शिफ्ट अलाउंस आप लोगों को दिख रहा है भाई 2185 रुपये, लोग नाइट शिफ्ट अलाउंस भाई 2185 रुपया दिख रहा है। इसमें मैं 19 डे कंपनी में नाइट शिफ्ट किया था। और आप लोगों को ट्रेवल अलाउंस भाई 1495, आप लोगों को पहले भी बताया 65 रुपया पर डे के हिसाब से अमेजोन कंपनी देती है, कहीं पर आप लगते हैं पूरा ऑल इंडिया कहीं लगते हैं तो आप लोगों को 1465 रुपया देता है। और मुझे अदर कंट्री का पता नहीं है, अदर कंट्री का होगा डिटेल लेकर आप लोगों को मैं अपडेट करूँगा। और अटेंडेंस बोनस, पहला अटेंडेंस बोनस आप लोगों को 700 रुपया दिख रहा है। और हॉलीडे पे भाई 15 अगस्त आया था, आप लोगों को पता होगा इस मंथ में, तो अगस्त में, तो ये 743 रुपया आप लोगों को हॉलीडे का दिख रहा है। और भाई यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है एडिशनल अटेंडेंस इंसेंटिव, तो 2350, आप लोगों को बहुत सारी वीडियो में बताया हूँ 3050 रुपये अटेंडेंस बोनस है, तो ये 2350 और 700 आप लोगों को देखिए 3050 हो जाता है। और आप लोगों को देखिए, ये पूरा अर्निंग आप लोगों को दिख रहा है 21,872,
तो गाइज कोई भी कंपनी में आप इतना अर्निंग जो है मतलब 9 घंटे का अभी फिलहाल में जो है नहीं कर सकते हैं। आप लोग अगर अमेजोन फ्लिपकार्ट कोई ऑनलाइन कंपनी लगते हैं तो हो जाएगा, लेकिन वर्क भाई इसमें हार्ड होता है, इसलिए अर्निंग होता है। कोई भी कंपनी जितना पेमेंट देता है उतना वर्क करवाता है, उसके बाद पेमेंट देता है। आप लोग कोई भी ऑनलाइन कंपनी में करिएगा तो भाई लाइन, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी जाइएगा, मोबाइल कंपनी जाइएगा, लाइन पर करना पड़ेगा। आप 10 मिनट 15 मिनट ब्रेक ले सकते हैं, जा सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, कहीं बात कर सकते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन कंपनी में आप लोगों को डिवाइस मिल जाएगा, जितना वर्क करिएगा उतना जो है आगे। आप लोग ऑनलाइन कंपनी में आते हैं तो भाई आप लोगों को अर्निंग तो अच्छा खासा मिल जाएगा, लेकिन वहीं वर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। और चलिए इस साइड आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, इस साइड देखिए आप लोगों को दिख रहा है भाई बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और लोकेशन आप लोगों को देखिए बेंगलोर का लोकेशन दिख रहा है, और फिलहाल मैं अभी बेंगलोर में हूँ। और देखिए ये भाई पीएफ जो है प्रोविडेंट फंड, पीएफ मिला करता है 1728 रुपया, पीएफ 1700 करता है। और मैं पीएफ के बारे में एक चीज़ मतलब पीएफ के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन मुझे पता चला है भाई, 3.5% लगभग अभी ही आ जाएगा साथ में, लगभग मेरा 2300 रुपया आ जाता है। और ई एस आई कटा है 153, और 9% 6 महीने कंपनी में टिकने के बाद आएगा। तो वो मैं अपडेट पीएफ के बारे में अलग से वीडियो बनाऊँगा पीएफ के बारे में जब मुझे। सो गाइज आप लोग देख रहे हैं ये मेरा जो है 31/8/2023 मतलब 31 तारीख को ही आप लोगों को अगस्त का सैलरी अगस्त में ही आ गया है 31 तारीख को। ये देखिए आप लोगों को जो 19,991 सैलरी आप मेरे बैंक में रिसीव हुआ है। और ये आप लोगों को दिख रहा है भाई ये बुल पोस्टिंग, ये कुछ सैलरी फॉर अगस्त, तो सैलरी अगस्त का ही दिख रहा है। और चलिए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट जरूर करिएगा। सो गाइज मेरा आशा है, मेरा विश्वास है कि आप लोग वीडियो सही से देखे और वीडियो पूरा देखे समझ गए होंगे इस कंपनी में अगर अमेजोन में लगते हैं सैलरी कितना रहता है। लगभग में भाई सभी को लगभग डिप्लोमा के बेस से और सब कंपनी से आप लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट में लगते हैं तो सैलरी इतना इतना रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा। तो अब फ्लिपकार्ट में लगते हैं तो इससे 2000 कम आता है, DHL में लगते हैं तो इससे और 2 या 3 हज़ार कम लगता है, बस सैलरी इतना ही बनने वाला है। अमेजोन में थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि भाई इसमें खाना नहीं मिलता है, खाना अपना खुद से खाना पड़ता है। और बस का सुविधा है, लेकिन बस का सुविधा नहीं लीजिएगा तब इतना सैलरी बनेगा, नहीं तो 1500 रुपया इसमें कट हो जाएगा। तो चलिए अगर आप लोग जो है कहीं मिस किए हैं, कहीं समझ नहीं आया तो फिर स्किप करिए या कमेंट करिए, तो मैं फिर से होगा तो आप लोगों को अपडेट करते रहूँगा। तो चलिए मिलता हूँ इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।